Hello everyone, welcome back to the day 3 of my Western Odisha ride. Today is 20th December और टाइम हुआ है 7:30। तो कल मैंने NIT के स्टाफ क्वार्टर में स्टे किया था। अगर आपने डे 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। सो लास्ट मोमेंट में मैं थोड़ा प्लान चेंज कर रहा हूँ, तो अभी मैं संबलपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, जो कि करीब 180-190 किलोमीटर दूर है। वहीं पर आज स्टे करूँगा रात में और कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं सामने NIT का कैंपस बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो काफ़ी मिस करूंगा ये जगह। आशा करता हूँ मैं फिर से आऊंगा बहुत ही जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीटेड, वेदर बहुत ही अच्छा है राइड के लिए। अभी टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा ठंड रहेगा। तो अगले 20-25 किलोमीटर थोड़ा ट्रैफिक रहेगा अप टू पानपोस ब्रिज तक, तो देखते हैं। सो 50 किलोमीटर राइड कंप्लीटेड। अभी मैं राउरकेला सिटी से बाहर आ चुका हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ बीजू एक्सप्रेस वे पे। आप देख सकते हैं रोड काफ़ी बढ़िया है। अभी यहाँ पे आप आराम से 80-100 के स्पीड में एवरेज में क्रूज कर सकते हैं। सो अभी तक का राइड बहुत ही बढ़िया जा रहा है, कोई थकान नहीं लग रहा है। 120 किलोमीटर कंप्लीटेड हो चुका है और बस 60 किलोमीटर ही है संबलपुर। तो अभी और 40 किलोमीटर बाकी है संबलपुर पहुंचने के लिए, तो करीब 11:30-12 बज जाएगा पहुंचते। आप जो सामने देख रहे हैं ब्रिज का, उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर किसी को पता है इस ब्रिज का नाम क्या है तो ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे। और कुछ देर बाद आपको सामने भूषण स्टील प्लांट दिखाई देगा लेफ्ट साइड में। सो अराउंड 11:45 हो गया संबलपुर पहुंचते। तो आज रात वहीं पे ही होटल में स्टे करूंगा। एक्चुअली प्लान था देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने का, लेकिन कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है लास्ट मोमेंट में। सो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर रुकूँगा वहीं पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ राइट टाइक, टाइम हो गया 2:30। तो यहीं से डाइक रोड स्टार्ट हो जाता है। आप सामने देख सकते हैं हीराकुद का रिजर्वॉयर, जो कि मानती रिवर के एक्रॉस ही पूरा बनाया गया है। ये हीराकुद डैम 1957 में ऑपरेशनल हुआ था, लगभग 10 साल लग गए थे कंप्लीट होने के लिए। तो अभी हम राइट टाइक के पूरे एंड तक जाएंगे, जहाँ पे ओडिशा टूरिज्म के द्वारा इको रिट्रीट सेटअप बनाया गया है पूरा।
तो अभी हम पहुंच गए इको रिट्रीट के पास। आप देख सकते हैं सामने लेफ्ट साइड की तरफ, तो आगे आपको ड्रोन शॉट दिखाई देगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ डाइक रोड के दूसरे एंड पे, वहीं पे वेट करूँगा सनसेट का। अगर कोई संबलपुर आ रहा है घूमने के लिए तो यहाँ का सनसेट कभी मिस मत करना, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा यहाँ से। तो आगे आपको ड्रोन शॉट में दिखाई देगा सनसेट का।
आज के लिए इतना ही था, अभी मैं वापस होटल जा रहा हूँ, तो कल डे 4 का वीडियो देखना मत भूलिएगा। एक सीक्रेट प्लेस दिखाने वाला हूँ जो कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी तक, धीरे धीरे लोग जान रहे इस जगह को, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी नेक्स्ट कौन से डेस्टिनेशन पे जाएं नीचे कमेंट कीजिए, तब तक मैं इवनिंग राइड को एंजॉय करता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।